काम करा रहे हैं हाथ में दो तरफ। अच्छा मुखलस से कार। हां वाह भाई वाह वाह। बशीर सिंह किथे काम करने गया था? किथा किथे वे भरापा ते से अंदर। अच्छा भरापा। डॉक्टर तू तो बहुत समझदार होता जा रहा है यार। तू मैं तो कह रही हूँ पागल है, अभी तू अभी भी पागल है, लेकिन तू तो समझदार हो गया यार। तो जी ये पौड़ी चढ़ गई है, पर्दा कर लो, पर्दे आ ले हो तो ऊपर बनवाने लगे हो। अस्सलाम वालेकुम सिंह, खैर है? पसीना पसीना देव दो काम की फसे। हां काम की सारे बशीर नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है? ठीक है जी। चलो खैर, इतना पसीना पसीना देव दे ए दे काम कर रहे हैं। बशीर सिंह किथे हैं? ओ भी कहीं बशीर ही नहीं है। अच्छा अच्छा, उसके कमरा बनना है आज। अच्छा बनी में दो। हाँ। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है दादा, बना बना शुरू कर दे। तो प्यारे बहन भाई, अभी हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस इलाके को, ये इलाका आपका जाना पहचाना इलाका है। तो अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें पता लगा कि अहमद भाई यहाँ है नहीं, तो चलते हैं और यहाँ मिलते हैं और यहाँ के यहाँ कहाँ पर आए आपको दिखाते भी हैं। देखिए ये शहजादा भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम साहब, भैया क्या हाल है? ठीक है तबीयत से? ठीक है खैर है? पसीना पसीना देव दो काम करने गया था। किस किस वे भरापाते से अंदर? अच्छा भरापाते में। वाह भाई वाह, काम थी ना पे? वाह सही वाह, पैसे नलका लगाने सरकारी। हाँ जी, घर पे नलका खराब हो गया, वो टूट गया है, उसको सुराख हो गया नलके को। अच्छा नलका लगाना है घर पे। कहाँ है आपका घर? कहाँ पे है घर? ये नहीं फाटक दो चक वाला। हाँ हाँ, इधर पे है घर सामने। पानी ठीक है वहाँ पे बैठे पीने के लिए? पानी ठीक है? हाँ पानी ठीक है, साफ सुथरा पानी है। साफ सुथरा पानी। तो ये आप जिनके घर काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़े यूट्यूबर है, इनको नहीं कहा आपने? इनको नहीं कहा मैंने, इनको भी कहा भाई को कहूंगा मैं आपको। अच्छा ये खुद इनके और नहीं गए? चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर नलका भेजा ना भाई तो इंशाल्लाह आपको जरूर लगवा के देते हैं। ठीक है, अब यहाँ मजदूरी करते हैं? हाँ यहाँ मजदूरी करते हैं। अच्छा कितनी दिहाड़ी देते हैं? दिहाड़ी तो देते हैं 700 रुपया, हमने ठेका मारा 9000 का, 8.5 हजार का। अच्छा अब रोजी बच जाएगी? अब घर कपड़े झाड़ के जाओगे? नहीं नहीं रोजी बच जाएगी। चलो अल्लाह पाक आपको रोजी दे। ठीक है, तो जी अभी हम यहाँ से जब आ रहे थे तो यहाँ एक भाई मिला मजदूर, जो मुखलिस भाई के घर काम कर रहा था, तो वो कह रहा है कि मुझे ना नलका लगवा दे, अगर जो बहन भाई अपने किसी मरूमिन के लिए नलका लगवाना चाहे तो वो हमसे रब्ता करेगा। तो ये देखें, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई क्या हाल है? सलाम अदर भाई। ठीक है तबीयत से? ठीक है। तो आपके घर लोग मजदूर मजदूरी करते हैं, तो उनकी चलो आवाज़ तो बन जा करो यार, कहता मुझे घर नलका नहीं है, तो आवाज़ बढ़ने में कौन सा हाल है? हमें बताते नहीं है ना। अच्छा आपको बताते, आप उनकी आवाज़ बनते, आपको बताते हैं, हमें पता नहीं है यार। अच्छा आप हमें बताते ही नहीं है, हमें बताएं तो हम आवाज़ बने। अच्छा चलो ठीक है, और कैसे काम नहीं है तो काम कैसे जा रहा है आपका? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, काम देख ले मुखलिस भाई का। तो मुखलिस भाई ना आपको एक इधर सामने आया मेरे ना, इधर सामने है ना, तो एक सिस्टर कह रही थी कि ना यानी कि जैसा आपने मकान बनवा लिया ना, साथ ना थोड़ी सी जगह ले लेना, यानी कि यहाँ गैरली नुमा हो। शायद मैंने आपको वॉइस की भी थी ना, तो गैरली होने के तो हवादार बन जाएगा आपका घर, यानी पल्ली साइड भी ले ले, पिछले सीट भी थोड़ी सी ले ले, पल्ली सीट से ले रहा हूँ। हाँ गली ले रहा हूँ पूरी गली, वो हवादार हो जाएगी आपकी। चलो माशाल्लाह जी, तो ये देखें माशाल्लाह मुखलिस भाई का घर तैयार हो रहा है। तो ये देखें लंबादार साहब, लंबादार क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये नलका मैंने लगवा के दिया था ना। हाँ तो जी ये पौड़ी चढ़ गई है, पर्दा कर लो, पर्दे आ ले हो तो ऊपर बनवाने लगे हो। चलो माशाल्लाह, तो जी ऊपर काम भी होने लगा है। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप, पता है तुझे? यहाँ अपने हमसाय के पास जा रहे हैं। हाँ डॉक्टर तू तो बहुत समझदार होता जा रहा है यार। तू मैं तो कह रही हूँ पागल है, अभी तू अभी भी पागल है, लेकिन तू तो समझदार हो गया यार। अल्हम्दुलिल्लाह वो पागल का ट्रीटमेंट कराया, अल्हम्दुलिल्लाह दवाई कराई है, सारा दिमाग की दवाई चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फिट दिमाग है। आपने कहा जाने, मैंने कहा यार बड़ी बात, मैं तो कह शायद अभी अभी दिमाग काम ही नहीं करता। नहीं काम अब फिट कर रहा है। अच्छा फिट कर रहा है, ठीक है ठीक है। तो खड़काया भी डॉक्टर साहब, दरवाजा खड़काया आप। चलो क्या हाल है सलामुद्दीन? ठीक है, और क्या हो रहा है आजकल? और तेरा चाचू अहमद कहाँ है? वो गया, वो जो बीमार है वो गया। वही यार किसी शहर तो गए ना, वो गए तो वो गए, ये क्यों गए? बता तो सही, ये तेरे बिना हटा खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा उच्ची बोल लिया कर, क्या हाल है? तो तेरे चेहरे में हटा हंसता रहता है तू यार, तेरे दांत निकल के ना गिर जाएंगे। हाँ क्या नाम है? सुहेब।
कैसे पढ़ाई कैसे जा रही है? ठीक जा रही है। चलो माशाल्लाह बहुत घट गया फिर फल बथेरे ने बहुत ने पहला बथेरे आ वैसे लेकिन नहीं यार पूरे दी ना मानत तेरी पूरी देनी ना यार मानत पूरी दे सरकार हाँ मैं ना मानत पूरी दो तीन चार पांच कितने हैं 5000 किसने भेजे हैं अल्लाह पाक ने भेजे वैसे था तो ये सिस्टर ने भेजे उनके लिए दुआ करते हैं मुखलिस भाई जिन्होंने इनके लिए भेजे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई हमारे सियालकोट की जिन सिस्टर ने जो हर माह इनके लिए पैसे भेजती हैं अल्लाह पाक उनकी ये काविश अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमा मालिक मौला उनके रिज़्क में औलाद में कारोबार में बरकत अता फरमा मौला उनको इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा मालिक मौला उनसे प्यारे नबी को भी राजी हो जा और तू भी राजी हो जा मालिक मौला तो तेरी मखलूक को राजी करिए तू उनसे राजी हो जा अल्लाह तेरी मखलूक को राजी करे तू उनसे राजी हो जा बच्चों की आमीन का सदर इनकी आमीन का सदका मौला वो हज पर जा रही है तो उनका हज का सफल आसान ही पैदा फरमा और उनका हज कबूलियत और हज बना दे मौला और मालिक मौला तो उन पर अपना खसूसी करम फरमा दे वो हम सब के हाल पर भी रहम फरमा जब हमारी तमाम बहन भाइयों की परेशानियां दूर फरमा करीम मौला जो जो मस्जिद के काम में हिस्सा मिला रहे हैं अल्लाह पाक उनके भी रिजक में औलाद में कारोबार में बरकत फरमा जो एक ईंट से लेकर आज तक जितना भी मस्जिद में हिस्सा मिला रहे उनकी तमाम की काविशों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूल अता फरमा और उन सब की तमाम नेक ख्वाहिशात नेक तमन्ना पूरी फरमा उनके मरहूमिन की बख्शिश फरमा उनके मरहूमिन को जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा और जब हम इस दुनिया से रुखसत हो खात्मा कामिल ईमान पर ज़ुबान पर जारी करो अल्लाह इला मुहम्मद रसूल अल्लाह तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अमानत आई थी वो हमने आपको दे दी और हर माह कितना आपके पास पहुंचा देते हैं ऐसे ना हाँ गुड जी जय जी आप मजे करें तो प्यारे बहन भाई ये थी हमारे पास अमानत तो कल हमने एक भाई थे तो उनकी हमने वीडियो आप तक पहुंचाई थी तो अभी हम वो भाई यहाँ पे हमें मिले हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो उनके पास हमारे से एक सिस्टर थी उन्होंने कहा था कि उनसे पूछे कौन सा ऐसा काम है जो कर सकते हैं तो उनसे भी मिलते भी हैं उनसे पूछते भी हैं और अगर वो जो काम बताएंगे वो पैगाम उन तक पहुँच जाएगा।